चलिए टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं इसमें। टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कुछ समय बाद। प्रश्न है, लोहे की एक छड़ की लंबाई 50 अंश सेल्सियस पर 5.002 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई किस ताप पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लोहे देखो, लोहे की छड़ की लंबाई 50 अंश सेल्सियस पर कितना है 5.002, तो 5 सेंटीमीटर रहने के लिए मतलब किस ताप पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले कितना था 5.002, हमको लाना कितना है 5.002। अब ये लोहा है मतलब रेखीय प्रसार होगा, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है 0.00012। जब इसको हम भाग देते हैं, ठीक है, इसको जब हम भाग देते हैं तो याद रखना इसका मान आता है 16.7 अंश सेल्सियस। तो पहले कितना था 50 अंश सेल्सियस था, 50 अंश सेल्सियस पर इतना था, तो इतना हम कम कर देंगे तो कितना जाएगा 33.33 अंश सेल्सियस। आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा नंबर है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गौरी, नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार बी का तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार बीटा व आयतन गुण प्रसार गुणांक गामा में क्या संबंध होगा, तो याद रखना मैंने क्या बताया था, बीटा बराबर क्या होता है याद रखना, अल्फा बराबर क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार क्या बोला गया है, आयतन प्रसार, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, थ्री गामा होगा। जब इसको हम अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीटा बराबर 2/3 गामा, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/3 गामा हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं किसी द्रव का वास्तविक प्रसार क्या होगा। किसी द्रव का वास्तविक प्रसार आपको बताया था मैं, कौन कौन सा होगा, पहला दूसरा मतलब ए बी सी डी में कौन सा होगा, बी नंबर, आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। इसके बाद आप देखेंगे चार अंश सेल्सियस पर दिए हुए द्रव्यमान के पानी का आयतन होगा, याद रखना 0 से 4 अंश सेल्सियस तक उसके द्रव्यमान का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है, उस समय क्या होता है न्यूनतम होता है, उसके बाद क्या होता है उसका अधिकतम होता है, मतलब डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है मोटे कांच के बर्तन में अधिक गर्म द्रव डालने पर टटक जाता है क्यों, क्यों, पहला होगा बी होगा सी होगा कि डी होगा, देखिए क्या बताया था मैंने, उसके सतह में प्रसार होता है इसलिए वो क्या हो जाता है चटक जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे एक धातु का रेसी प्रसार गुणांक 0.0011 है प्रति अंश सेल्सियस है, तो धातु के आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। देखो रेखीय प्रसार क्या है, हमने 1:2:3 में बांटे थे, यदि रेखीय प्रसार 11 है तो सीधी से बात 3 से गुना करेंगे 0.00033 हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका सी। रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांकों में आयतन होगा सॉरी अनुपात होगा, तो क्या होगा 1:2:3 4:5:6 2:1:3 या 3:1:2, इसका आंसर चला जाएगा ए 1:2:3। ठीक है, नेक्स्ट है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक हुआ, रेखीय प्रसार गुणांक हो चाहे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, आयतन क्या हमने क्या बताया था इसका प्रति
डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न इसी प्रकार से कुछ प्रश्न है। इस्पात का, इस्पात मतलब मतलब एक धातु ठोस पदार्थ। इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक 0.00012 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार यदि 12 है तो उसका दुगुना कर देंगे, 1:2:3 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.00024 सेल्सियस। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका एक छड़ का रेसी प्रसार गुणांक 0.00017 प्रति अंश सेल्सियस है। इस छड़ की 1 मीटर लंबाई को 0.01 सेल्सियस से 7 सेल्सियस तक गर्म करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। देखो इसको आप कैसे बनाएंगे, छड़ का रेखीय प्रसार गुना कितना दिया है 0.0017 प्रति अंश डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसको क्या करना है, ताप कितना दिया है 0.01 सेल्सियस से 7 सेल्सियस तक, तो इसकी इसमें वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि कितनी होगी, सीधी सी बात है रेखीय प्रसार, और रेखीय प्रसार जब लगा देंगे तो क्या होगा, रेखीय प्रसार में क्या होता है लंबाई पहले कितना था 1 मीटर है ना, अब हम क्या कर रहे हैं उसमें, सॉरी रेखीय प्रसार कितना दिया है 0.0007। ठीक है, पहले कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणित कितना है, कितना ताप दे रहे हैं 100 दे रहे हैं। ठीक है, तो 0.0017 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार से आप देखेंगे कांच का आयतन प्रसार गुणांक 0.0027 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो क्षेत्रीय प्रसार क्या हो जाएगा, देखो आयतन प्रसार है क्षेत्रीय प्रसार मतलब उसको हम क्या कर देंगे 2/3 से भाग देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.0018 प्रति डिग्री सेल्सियस, 2/3 से भाग देना है, हमने निकाला था ना बीटा बराबर 2/3 गामा, ये क्षेत्रीय प्रसार हो गया, अब ये क्या हो गया आपका आयतन, यहाँ इसका मान रखेंगे 0.0027 को भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट है दो किलोग्राम जल की उष्मा धारिता होगी, दो उष्मा धारिता पूछ रही है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा दूसरा होगा, देखो हमने उष्मा धारिता क्या निकाले थे कैलोरी में निकाले थे है ना, कैलोरी में निकाले थे, इसका मान ये 2 किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, 13 नंबर हमारे लिए 50 ग्राम जल का ताप 5 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने जूल उष्मा की आवश्यकता होगी, 50 ग्राम जल को, जल क्या है 50 ग्राम है, कितना अंश सेल्सियस बढ़ाना है 5 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो उसके जूल में उसका मान पूछा गया है कि जूल उष्मा की आवश्यकता कितनी होगी, याद रखना 50 × 5 × 4.1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, इसको जब हम गुना करते हैं 1050 जूल आता है। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ठीक, 55 नंबर आता है, मैं उसके आधार पर बोल देता हूँ, हमारा इसे 14वां नंबर है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे 7 अंश सेल्सियस और कुछ जल 70 अंश सेल्सियस के दुगने जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। देखो क्या बोला गया है कि एक 7 अंश सेल्सियस का जल है और दूसरा क्या है 70 अंश सेल्सियस का जल है, मतलब ये दुगुना है, 70 अंश सेल्सियस का दुगुना जल इसमें मिलाया जा रहा है इसमें, तो उसका साम्य ताप कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 किलोग्राम है तो ये क्या हो जाएगा
2 किलोग्राम, ठीक है। तो एक गुना फार्मूला लगा देंगे 100 प्लस 2 गुना 70, फार्मूला है ना हमारा टी वन प्लस एम वन टी टू एम टू एम वन एम टू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 100 हो जाएगा और ये 140 बटा 2, जब हम 240 को सॉरी 2 हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 80 सेल्सियस, मतलब हमारा उत्तर किसके साथ चला जाएगा सी के साथ। अब हमारा लास्ट है 0 सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ, देखो 0 सेल्सियस का क्या है 50 ग्राम बर्फ है, 20 अंश सेल्सियस के 50 ग्राम पानी में मिला दी जाती है, मिश्रण का ताप होगा। सीधी सी बात है, यदि हम जल को बर्फ को हम जल में मिला देते हैं, ठीक है, बर्फ कितना 0 अंश सेल्सियस है, 20 अंश सेल्सियस का है जल है, तो भाई जब इसे पिघलेगा तो ये ठंडा ही रहेगा ना, ठंडा ही रहेगा, मतलब इसका मान कितना रहेगा 0 अंश सेल्सियस ही रहेगा, ठंडा होने की वजह से गर्म तो होना ही नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा 0.1 सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए, यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और आपको आगे हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ये तो केवल 15 क्वेश्चन था, 15 से 50 क्वेश्चन भी हमको बताएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।